हेलो गाइस, दिस इज योर आर्ट विजार्ड अतुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है अतुल भुक्कल आर्ट विजार्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आपने मेरे स्केचेस देखे होंगे, मेरी पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन आज मैं कुछ नया, कुछ हटके में ट्राई करने वाला हूँ। वो है ग्लास पेंटिंग, और काफ़ी डिफिकल्ट ग्लास पेंटिंग मैं कह सकता हूँ उसे, काफ़ी डिफिकल्ट है। और एक तरह से वो मधुबनी पेंटिंग भी है जो मैं ग्लास के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप ये घर पे करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सेफ्टी मेजर, किड्स शुड नॉट ट्राई दिस एट होम। तो दोस्तों, जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं और ये वीडियो स्पेशली देख रहे हैं, बच्चे इसे घर पे ट्राई ना करें। और अगर ट्राई कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो किसी भी बड़े की निगरानी में या फिर किसी भी बड़े की हेल्प से करें, अकेले कभी भी ये काम ना करें क्योंकि काफी रिस्की होता है एक ग्लास को हैंडल करना। दूसरा सेफ्टी पॉइंट, टेप द एजेस। ग्लास की एजेस को आपको टेप करना है। मैं दिखा दूंगा आपको ग्लास कैसा होगा और उसकी एजेस को टेप कैसे करना है, क्योंकि एजेस शार्प होती हैं और वो आपको चोट पहुंचा सकती है। तो इससे अच्छा उसे मेजर करके अच्छी तरह उसको टेप कर दीजिए। एंड थर्ड एंड लास्ट, बी केयरफुल। केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छोटा सा भी आपका हाथ फिसला या फिर उसके ऊपर टच हो गया तो बहुत गंभीर चोट आ सकती है, इसलिए केयरफुल बहुत ज़्यादा रहना है आपको। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कलर्स कौन सी यूज करने वाला हूं। तो दोस्तों, कलर्स होने वाले हैं कैमलिन के। पहले तो ग्लास कलर्स जो लाइनर वाटर बेस्ड हैं, और सॉल्वेंट कलर्स जो मैं कलर यूज करने वाला हूं उसे फिलअप करने के लिए, तो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, आप भी बाय कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो इनको हम बाद में देखते हैं। दूसरा मैंने क्या किया है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस, दूसरा मैंने एक हाफ इम्पीरियल साइज का, जैसे मेरा ग्लास है तो उसी साइज का मैंने एक पेपर लिया है और उसके ऊपर मेरा रेफरेंस मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इसकी हेल्प से हम उसको बनाएंगे। कैसे, हम ग्लास के पीछे इसको अटैच कर देंगे, टेप कर देंगे, जिसकी वजह से हमें रेफरेंस साफ साफ अपने ग्लास के आर पार दिखेगा और उसको हम अपने कलर से ट्रेस कर लेंगे। सो अब आपको मैं दिखाता हूँ जो मेन चीज है, सबसे जरूरी चीज। एक सेकेंड, सो गाइज, ये है हमारा ग्लास, उसी साइज का ग्लास है जितने साइज का हमने रेफरेंस ड्रॉ किया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एजिस पे एक्स्ट्रा टेपिंग की है, ताकि मैं अगर इस पे मूव करूँ अपना हाथ तो मेरा हाथ कट ना हो। तो ये सेफ्टी मेजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किड्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो तो आप तो ट्राई करें ही ना, और अगर कर भी रहे हैं तो पेरेंट्स की निगरानी में ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर किसी के सामने अगर आप करेंगे तो आपको चोट लगने का या फिर आपको टेक केयर होने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम अटैच कर लेते हैं अपने रेफरेंस को अपने ग्लास के साथ। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस चीज़ के लिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक टेप चाहिए। तो टेप यहाँ पे आ चुकी है एंड सेम साइज का है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है, ग्लास को उल्टा करना है। यहाँ पे मैंने ग्लास को उल्टा रख दिया है और जस्ट इसके ऊपर ही अपने रेफरेंस को भी उल्टा रख लेना है। और ध्यान देना है कि यहाँ पे ये अच्छी तरह स्टेबल हो चुका हो। एंड नेक्स्ट इसको हमें टेप कर देना है विद दैट बॉर्डर। मैंने इतनी लंबी कुछ टेप ली है। यहाँ पे एक अच्छे से स्टिक होना चाहिए। गाइस, ग्लास थोड़ा हैवी भी है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ग्लास स्लैब आप हैवी ले रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना है आपको।